नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न मारिफतल अब्दी बिरहमतिल्लाहि शामिलति लिइबादिहि युस्किबु फिल क़ल्बि अत्तमअनीनतु इला रब्बिहि ला फी हालिस सर्राइ वन नअमाइ फ़हस्बु बल वहुव यमुर्रु बिफ़तरातिल इब्तिलाइ बिद्दर्राइ التي تزيغ فيها القلوب والأبصار فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحة وكل حالة وكل وضع وكل تصرف ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمته فإن الله لا يطرد من رحمته أحدا يرجوها إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه الرحمة حين يكفرون بالله ويرفضون رحمته ويبعدون عنها. ترجمة कर लेते हैं. إن معرفة العبد बेशक बंदे की मार्फत برحمة الله الشاملة अल्लाह की रहमत के बारे में जो शामिल है ले इबादी ही उसके बंदों के लिए यस को वो उंडेलती है फिल क़ल्बि दिल में अत्तमअनीना इत्मिनान इला रब्बी ही तरफ उसके रब के. यानी जब बंदे को अल्लाह की रहमत की मारिफत होती है अशामिला यानी मुकम्मल या शामिल कामिल के मानों में आता है कि उसकी रहमत अपने बंदों पर कितनी ज्यादा है तो ये चीज रब के बारे में दिलों में बहुत इत्मीनान पैदा करती है. ला फी हाल सर्राइ वन नामाइ फहस्ब सिर्फ खुशी और नेमतों की हालत में ही नहीं और बस बल वहुव यमुर्रु बल्कि वो गुजर रही होती है बिफतरातिल इब्तिलाइ बिद्दर्राइ इब्तिला जो तकलीफ के साथ होता है उसके औकात में भी उसके वक्फों में भी अल्लती तज़ीग़ु फ़ीहा अल-क़ुलूब वल-अबसार जिसमें टेढ़े हो जाते हैं दिल और निगाहें. फ़हुव यस्तयक़िनु अन्न रहमतल्लाहि वराअ कुल्लि लम्हतिन तो वो यकीन कर लेता है कि अल्लाह ताला की रहमत हर चीज के पीछे है. व कुल्लि हालतिन और हर हालत में व कुल्लि वज़अन और हर वज़ा में व कुल्लि तसर्रुफ़िन और हर मामले में. यानी इंसान को जब ये पता चल जाता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत हर हाल में है यानी हर जगह शामिल है यानी यूं कहें सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि तकलीफ के वक्त जब इंसान को इंतहाई तकलीफ होती है जिसमें दिल और निगाह भी फिर जाती है टेढ़ी हो जाती है वो भी दरअसल अल्लाह की रहमत ही का एक जरिया होता है. जब ये यकीन हो जाता है ना बंदे को तो फिर दिल इत्मीनान से भर जाता है फिर रब के बारे में कोई शक नहीं रहता तो फिर इंसान को हर लम्हा हर हालत में हर वज़ा में हर मामले में अल्लाह की रहमत महसूस हो रही होती है. ये सिर्फ महसूस करने की देर है मारिफत की ज़रूरत. अल्लाह की रहमत तो है हम नहीं पहचानते उसको हम नहीं देख पाते हमारी गलती लेकिन जब हमें नज़र आने लगती है तो फिर हमारे ही दिलों का हाल बदल जाता है. वयअलमु अन्न रब्बहु और वो जानता है यानी इंसान के बेशक उसका रब ला यारदुहु लिलिब्तिलाई वो उसे मुसीबत के लिए पेश नहीं कर रहा लिअन्नहु तखल्ला अन्हु क्योंकि वो उससे हट गया है उसको अलग छोड़ दिया तन्हा छोड़ दिया है और तरदहु मिन रहमतिही या फेंक दिया उसको रहमत से यानी दूर. फ़इन्नल्लाह ला यतरुदु मिन रहमतिही अहदन यरजूहा बेशक अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर किसी को भी नहीं फेरता जिसकी वो उम्मीद रखता है. यह हा की ज़मीर रहमत की तरफ जा रही. इन्नमा यतरुदु नासु अनफुसहुम बेशक ये लोग हैं जो अपने आप को फेंकते हैं यानी दूर फेंकते हैं मिन हाज़िहिर रहमा इस रहमत से हीन यकफुरून बिल्लाह जब वो अल्लाह का इनकार करते हैं व यरफुदून रहमतहु और उसकी रहमत का इनकार करते हैं व यबउदून अनहा और उससे दूर हो जाते हैं. यानी अल्लाह की रहमत मौजूद होती है लेकिन जो उम्मीद नहीं रखते वो अपने आप को खुद महरूम कर लेते हैं. वत्तमअनीनतु इला रहमतिल्लाहि तमलउल क़ल्ब बिस्सबाति वस्सब्रि वर्रजाइ वल अमलि वल हुदूइ वर्राहति फ़हुवा फी कुन फी रब्बिन रहीमिन वदूदिन वत्तुमअनीनतु और इत्मिनान इला रहमतिल्लाही अल्लाह की रहमत की तरफ। यानी जब बंदे को यकीन हो जाता है कि अल्लाह की रहमत मौजूद है, तमलाउल क़ल्ब ये भर देता है दिल को बिस्सबात व सब्री, सबात और सब्र के साथ, व रजाई वल अमली और उम्मीद के साथ, रजा भी उम्मीद होती है और अमल भी, वल हुदूए और इत्मिनान, वल राहत और राहत के साथ। फहुआ तो वो होता है फी कुन फी रब्बिन रहीमिन वदूदिन, रब रहीम जो बहुत मोहब्बत करने वाला है उसके विंग प्रोटेक्शन, तो वो रब रहीम जो मोहब्बत करने वाला है उसकी प्रोटेक्शन में होता है। वह हुआ सुब्हानहु अल-मालिकु लिकुल्लि शैइन ला युनाज़िअहु मुनाज़िउन वलाकिन्नहु फदलन मिन्हु व मिन्नतन कतब अला नफ्सिर रहमा व अखबर इबादहु बिमा कतबहु अला नफ्सिही मिनर रहमा व हादा मिन कमाल इनायतिही बिइबादिही फइन्न इखबारहुम बिहादिहिल हकीकति तफदुल आखरुन। वह हुआ सुब्हानहु और वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल मालिकु लिकुल्लि शैइन हर चीज का मालिक है, ला युनाज़िउहु मुनाज़िउन नहीं खींचता उससे कोई खींचने वाला, यानी वो ही मालिक के कुल है, मालिक के मुख्तार है, जिससे कोई उसकी रहमत छीन नहीं सकता। वलाकिन्नहु लेकिन वो फदलन मिन्हु उसके फजल की वजह से व मिन्नतन और एहसान की वजह से कतब अला नफ्सिर रहमा उसने अपनी जात पर रहमत लिख रखी है, वो अखबर इबादहु बिमा कतबहु और उसने बता भी दिया अपने बंदों को जो उसने लिख रखा है, अला नफ्सिही मिनर रहमा अपनी जात पर रहमत में से, वहादा मिन कमाल इनायतिही बिइबादिही और ये उसकी इनायत का कमाल है अपने बंदों पर, फइन्ना इखबारहुम बिहादिहिल हकीकति बस बेशक उसका बताना बंदों को इस हकीकत के बारे में अल्लाह सुब्हानहु तआला का खबरदार करना तफद्दुलन आखरुन एक और बहुत बड़ा फजल है। यानी रहमत तो अपनी जगह, लेकिन रहमत की खबर देना भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद ये जब हम होपलेस हो जाते हैं तो फिर नेगेटिविटी की कैफियत आती है, फिर हम श्योर नहीं होते, तो जो पूरा प्रोसेस है ना इससे वो डिस्टर्ब हो जाता है, इन सेंस कि हम लोग कुछ करते हैं तो हम एक किस्म के होपफुल हो जाते हैं, तो एक रिलैक्स हो जाता है बंदा, सेटिस्फाइड हो जाता है। बट जब आपको होपलेस जाते हो तो आपको हर चीज नेगेटिव लगती, नहीं ये मेरे साथ होनी बुरी है, मैं तो हूँ ही ऐसी, तो वो फिर एक बिल्कुल अनसेटिस्फाइड फीलिंग आती है। बिल्कुल, यानी असल जो इन सारे पैराग्राफ्स में बात बताई गई है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु तआला की रहमत की मारिफत होना बंदे के लिए एक बहुत बड़ी खैर का बायस है, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो हर चीज पर छाई हुई है, उसने अपनी जात पर रहमत लिखी हुई है, लेकिन ये बंदे की महरूमी है कि वो उस रहमत को पहचान ना पाए और फिर उसकी लाइफ मिजरेबल हो, क्योंकि जब ये चीज आ जाती है तो ये उसको भर देती है, यानी कि उम्मीद के साथ और हुदू और कामनेस और राहत और इत्मीनान, ये सारी कैफियत बंदे में सिर्फ उस वक्त आती है। ये देखे ना वत्तमानीनतु इला रहमतिल्लाह जो है, यानी जब ये ट्रस्ट हो जाता है, ये इत्मीनान हो जाता है कि अल्लाह की रहमत है, तो उसके बाद दिलों में सबात, सब्र, रजा, अमल, हुदू, राहत सब कुछ आ जाता है। और अगर ये ना हो तो बंदा बेचैन, परेशान और मुसीबत में रहता है। उस्ताद ये तमानियत नजर भी या उसका एहसास भी उस वक्त होता है जब वो आ चुकी होती है ना, यानी हम उस वक्त जब पैनिक नहीं होते, पैनिक होते हैं तो वो होती तो वही है, नजर नहीं आ रही होती। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं अप्रोच ये है कि जिस बंदे को पहचान हो जाएगी, मार्फत हो जाएगी, उसके अंदर इत्मीनान आ जाएगा। जिसको मार्फत नहीं उसमें इत्मीनान नहीं आएगा। आज हमने वो क्लास में जैसे वो इकरा का कबूल इस्लाम वाला वाकया सुना था, उसमें तो उसमें वो जो बात आ रही थी ना कि जब उसको उसके चचा जो थे वो जला भी रहे थे, तो वो यही कहे जा रही थी कि अल्लाह ताला आप मुझे देख रहे हैं और मुझे पता है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और वो साथ साथ अपने चचा को कह रही थी कि आप जरूर इस्लाम कबूल कर लीजिएगा। तो ये वाकई जब इस दौर में भी ये बातें देखते हैं कि अच्छा बहुत सारे तमानियत का यह हाल हो कि आप जल रहे हैं और उस भी अल्लाह के ऊपर ये ट्रस्ट होना कि मुझे पता है कि आप ये सब मोहब्बत में हो रहा है मेरी, तो ये बहुत वाकई बड़ी बात है, यानी मार्फत की बात है। असल में हम लोग क्यों परेशान होते हैं, मायूस क्यों होते हैं? इसलिए कि हमें अल्लाह सुब्हानहु तआला की रहमत पर यकीन नहीं, पहचान नहीं, इत्मीनान नहीं। सदा यहाँ पे जो टीकू 4 में दोबारा से मेरा जीना मेरा मरना सब्जेक्ट शुरू हुआ है, तो उसमें हम पढ़े थे नमाज और रोजे के फवायद। तो उस पर मुझे अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज्यादा कि हमें अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया ना कि ये करें, लेकिन उसके अंदर इतने ज्यादा फवायद रख दिए हैं हमारे रूहानी, जिस्मानी, जज्बाती लिहाज से सेटिस्फेक्शन के, कि अल्लाह ताला पे इतने ज्यादा मोहब्बत महसूस हो रही थी कि जो काम भी उसने हमें कहा है वो हमारे ही फायदे के लिए है, और अगर हमें ये बात समझ आ जाए तो हमारे लिए कोई काम भी मुश्किल ना रहे। जी, असल बात है समझ की कि अल्लाह का फजल तो है ही है, लेकिन क्या वो हमें समझ आया है, ये है असल नुक्ता। अगर हमें समझ आ गया है तो फिर तो हर चीज अपनी जगह पे आ जाएगी, फिर तो हमारे अंदर इत्मीनान ही इत्मीनान आ जाएगा। वरहमतुल्लाहि बिइबादिही हियल अस्लु हत्ता फी इब्तिलाइहिम अहयानन बिद्दर्राइ वल बअसाइ फहुव सुब्हानहु यब्तलीहिम लियु'द्द ताइफतम मिनहुम बिहादल इब्तिलाई लिहम्ल अमानतिही बादल खुलूस वत्तजर्रुद वत्तहय्युइ अन तरीक हादल इब्तिलाई वलियुमय्यिज अल खबीथ मिन अत-तय्यिब फी अस-सफ्फ वलियअलम मन यत्तबि'ुर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि वलियहलिक मन हलक अन बय्यिना वयहया मन हय्या अन बय्यिना वक़द अरसलल्लाहु सुब्हानहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन फहुव अरहमुन नास बिल खल्क़ि कमा क़ाल सुब्हानहु वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहते हैं कि वह रहमतुल्लाहि बिइबादिही हियल अस्लु, और अल्लाह की रहमत बंदों के साथ वही असल है। हत्ता फी इब्तिलाहिम अहयानन, हत्ता के उनकी आजमाइश में भी कभी, बिद्दर्राइ वल बअसाइ, उनकी आजमाइश तंगियों और तकलीफों के साथ या मुश्किल हालात में जब अल्लाह ताला बंदे को डालता है और आजमाता है तो ये भी उसकी रहमत होती है। फहुव सुब्हानहु यब्तलीहिम, वो अल्लाह सुब्हान व तआला उनको आजमाता है। क्यों आजमाता है? लियुइद्दा, ताकि तैयार करे, ताइफतम मिनहुम, उनमें से एक ग्रोह को, बिहादल इब्तिलाई, इस आजमाइश के जरिए, लिहम्ल अमानतिही, उसकी अमानत को उठाने के लिए, बादल खुलूसी, खुलूस के बाद, वत्तजर्रुदी, और अलग करने के, वत्तहय्युई, और तैयारी के, अन तरीक हादल इब्तिला, इस आजमाइश के तरीके पर। यानी अल्लाह सुब्हानो तआला बंदों को अपने काम के लिए चुनता है आजमाइशों में डालकर, ताकि वो हर चीज से खालिस हो जाए, हर चीज से अलग हो जाए और उसके रास्ते के लिए तैयार हो जाए। वलियमीज़ अल खबीस मिन अत-तय्यिब, और ताकि मुमताज हो जाए खबीस पाक से। फिस सफ़ी, सफ में, यानी उस सफ में जैसे मुसलमानों की सफ थी जंग के लिए, जंग उहद के लिए जा रहे थे तो मुनाफिक अलग हो गए थे ना, पीछे रह गए थे। यानी मुसलमानों की सफों में या दीन का काम करने वालों की सफों में जो लोग इस काबिल नहीं कि वो इस सादत को हासिल कर सकें वो अलग हो जाएं। वलियालम, और ताकि अल्लाह जान ले, मैं यत्तबिउर रसूला, कौन पैरवी करता है रसूल की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि, उससे जो पलटता है अपनी दोनों एड़ियों पर, यानी पीछे फिर जाता है। वलियहलिक मन हलक, और ताकि हलाक हो जाए जिसे हलाक होना है, अन बय्यिनतिन, दलील के साथ, वयहया, और जिंदा रहे, मन हय्या, जिसे जिंदा रहना है, अन बय्यिनतिन, दलील के साथ। वक़द अरसलल्लाहु सुब्हानहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानु तआला ने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहान वालों के लिए रहमत बनाकर। फहुव अरहमुन नास बिल खल्क़ि, वो सबसे ज्यादा मेहरबान है लोगों पर, मखलूक पर। कमा क़ाल सुब्हानहु, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं भेजा हमने आपको मगर रहमत बनाकर सारे जहान वाले। फहुव रहमतुल लिकुल्लि अहद, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है हर एक के लिए। लाकिन्नल मुअमिनीना क़बिलू हाज़िहिर रहमा, लेकिन मोमिनों ने ये रहमत कबूल कर ली है। फनालू बिहा सआदत दुनिया वल आखिरा, फिर पाली इस रहमत के जरिए दुनिया और आखरत की सआदत। वल कुफ़ारु रद्दूहा, और कुफ़ार ने उसको फेर दिया, यानी नहीं कबूल किया आपके पैगाम को। फलहुमुश शक़ाउ फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो उनके लिए दुनिया और आखरत में बदबख्ती है। वरफ़अल्लाहु बिरिसालति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अज़ाब अल-आम अन अहल अल-अर्द व रफ़ा अल्लाहु, उठा लिया अल्लाह सुब्हानहु तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की वजह से आम अजाब जमीन वालों से, यानी जमीन वालों से अजाब उठा लिया। और आपके आने की वजह से जो लोगों के अंदर चेंज आया, जो वो इबादत करने लगे और जो अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे, तो ये सब अल्लाह की रहमत को जोश में लाने का जरिया बनी। वबिहाज़िहि रहमतु इंतशरत दीन, और इसी रहमत की वजह से दीन फैला। वक़बिलहुन्नासु, और लोगों ने उसको कबूल किया। वअहब्बूहु, और उसको पसंद किया। वजाहदू फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद किया। कमा क़ाल सुब्हानहु, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह की रहमत की वजह से आप उनके साथ नरम हैं। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप तुंदखू संग दिल होते, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो वो आपके आसपास से बिखर जाते। फ़ाफ़ अन्हुम, तो उनको माफ कर दीजिए। वस्तग़फिर लहुम, और उनके लिए बख्शिश मांगिए। वशाविरहुम फिल अम्र, और उनसे मशवरा कीजिए उमूर में। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर जब आप अज़म कर लें तो अल्लाह पर तवक्कुल करें। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ताज़, मैं कहना चाहूंगी, आप अभी बता रही थी कि कुछ लोग जिनको अल्लाह ताला सेलेक्ट कर लेते हैं और वो दीन की तरफ आते हैं और अल्लाह ताला उनको वाकई चुनकर लेके आते हैं, उन पे बहुत ज्यादा आजमाइशें आती हैं। तो जंग में भी जो सबसे आगे खड़े होते हैं स्टार्ट में, उनके ऊपर भी सबसे ज्यादा हमला होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसी तरह जो अल्लाह ताला के दीन की तरफ आता है उसको भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत ज्यादा आजमाइशें आती हैं और शैतान बहुत भटकाने की कोशिश करता है। तभी तो फिर खबीस और तैयब अलग अलग होते हैं ना, इसीलिए अल्लाह ताला आजमाता है और ये उसकी रहमत होती है। उस्ताज़ा, एक क्वेश्चन था कि ये लिहमली अमानती ही, क्या इससे मुराद दीन का काम है? जी, वो सूरत अल-अहज़ाब में नहीं आता, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाली फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़्न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। तो यहाँ जो अमानत का माना है ना, तो अमानत क्या है हमारे पास, तो ये दरअसल अल्लाह का दीन है, ठीक है। और असल में यहाँ जो इबारतें हैं उनमें अगर आप देखें तो ये कुरान पाक ही की इबारात है। लियमीज़ अल ख़बीस मिन अत-तय्यिब, और वलियअलम मन यत्तबिर रसूल, और वलियाहलिक मन हलकान बैना, ये सब कुरान मजीद में आता है मुख्तलिफ आजमाइशों के बाद। उस्ताज़ा, मैं जब घर जाती थी ना तो मैं कहती थी कि मेरी कोई बात नहीं सुनता, फिर जब मैं वापस आती थी होता, फिर मैं बड़ा डिप्रेस्ड रहती थी कि ऐसे क्यों आए, तो खैर पता लग जाता था कि आजमाइश है। तो जब आजमाइश है तो फिर मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला इज लाइक प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग बिग, कि अब जाना है तो क्या क्या कुछ फेस करना है, ये तो उसका छोटा पार्ट है। तो लर्निंग यहीं से स्टार्ट हुई। बिल्कुल। सादा, मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान को हमेशा अपना वो वक्त याद रहता है जिसमें उस पे कोई मुश्किल आती, परेशानी आती या गम आता है, क्योंकि जब भी हम पर कोई मुश्किल, परेशानी या गम आता है तो हम और मैच्योर हो जाते हैं। जैसे मसलन अगर हम अभी याद करें कि किस दिन में बहुत खुश थी, तो वो हमें याद नहीं होता क्योंकि खुशी में हम कुछ लर्न नहीं करते। लेकिन जब भी मुश्किल आती है तो उसमें हम मैच्योर भी होते हैं, हम लर्न भी करते हैं, हमारा जहन खुलता है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे अल्लाह ताला जब हमें टेस्ट करते हैं तो हम मैच्योरिटी में आगे बढ़ते जाते हैं और फिर उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाती है ना। जैसे हम मसल बिल्ड करते हैं तो वो आराम से लेट के तो नहीं बिल्ड होते, उससे तो जितना आराम करेंगे उतना ही कमजोरी होगी और जितना काम करेंगे उतने स्ट्रांग होंगे। उस्ताज़, मैंने ये भी जैसे एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग इन मुश्किलात को ना, जैसे हम जैसे जब दीन का काम करते हैं तो अल्लाह की रहमत समझते हैं कि ये पार्ट ऑफ ये पैकेज है, तो उनको ना अल्लाह सुब्हान तआला बहुत चांसेस देते हैं काम के। yes. लेकिन जो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, फौरन शिकायतें और उनसे बस अब ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा, तो उनकी ना लिमिटेड रहता है हमेशा, यानी अल्लाह ताला उनसे बहुत बड़ा काम नहीं लेते। yes. और उसकी एक रीजन ये भी होता है कि उनका वो कंप्लेनिंग नेचर जो होती है। बिल्कुल, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है थ्रू आउट द इयर्स के कौन कौन लोग काम में आगे बढ़े और कौन इतना टैलेंट होते हुए, जहानत होते हुए, काबिलियत होते हुए पीछे रह गए। तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जब लोग दीन की तरफ आए और अल्लाह ताला ने उन पर कोई आजमाइश डाली तो वो उसमें साबित कदम न रह सके। और आजमाइशें मुख्तलिफ होती हैं, कभी अपने नफ्स की तरफ से ही होती है, कभी शैतान की डाली गंदगी होती है, कभी लोगों के रवैये होते हैं, कभी खौफ होता है दुश्मन का कि जो मुखालिफ कुव्वतें होती हैं। तो इंसान के अंदर जब तक यकीन कामिल नहीं होता कि वो जिस रास्ते पर है वो बिल्कुल सही है, तो वो इस्तिकामत नहीं इख्तियार कर सकता। अभी मैं यहाँ पर जब आई तो मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स बताए कि हम ये करना चाहते हैं अब ये, तो मैंने कुछ सवाल किए उनसे कि आप ये जो करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। तो कुछ लोग घबरा गए मेरे सवालों से, तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा कि इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और चिड़िया जितना दिल है कि छोटी से मेरे सवाल से, छोटी से मेरी क्रिटिसिज्म से कि ये काम होगा कैसे, एकदम आप परेशान होकर पीछे हटना चाह रहे हैं कि शायद हम काबिल नहीं इसके, या हम पे एतमाद नहीं कि हम कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि जितना बड़ा कोई काम होता है उतना बड़ा दिल चाहिए होता है, और वो बड़ा हौसला उस वक्त तक नहीं आता जब तक इंसान मुश्किलात से ना गुजरे। आपने देखा होगा कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं उनको बड़ी से बड़ी चोट लग जाए, बच्चों में भी आप देखें जो बच्चे मजबूत होते हैं उनको बड़ी से बड़ी चोट लग जाए तो थोड़ा बहुत रोते हैं, और जो बच्चे ऐसे ही नाजुक पले हुए होते हैं उनको ऐसे छोटी सी कोई चीज हो तो वो एकदम रोना शुरू कर देते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए कि ये जो बच्चे गलियों बाजारों में पलते हैं, कच्ची बस्तियों के बच्चों को जाके देखें, और अपने घरों में जो एयर कंडीशन में पलने वाले बच्चे हैं और बहुत नाजुक और नेमतों में पलने वाले बच्चे, उन दोनों को आप सामने रख के देखें कि किसके अंदर ज्यादा स्टेमिना है मुख्तलिफ बीमारियों को फेस करने का और हार्डशिप को फेस करने का। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जब तक बंदा मुश्किलात में नहीं पड़ता वो मैच्योर नहीं होता, और जब तक मैच्योर नहीं होता वो बड़ा काम नहीं कर सकता। ये अल्लाह का तरीका है एक, और हम उससे बच के बड़ा भी बनना चाहते हैं और मुश्किलात पे सब्र भी नहीं करना चाहते, तो फिर कभी भी ये ना सोचें कि आपको बड़ा काम कर सकेंगे, कर सकते ही नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की सुन्नत नहीं कि कच्चे पक्के लोगों को बड़े बड़े काम दे दे। मुझे तो ये एक बहुत अच्छा एंगल लग रहा है इसमें कि अगर इंसान आजमाइश को अल्लाह की रहमत समझे तो कितना पॉजिटिव हो जाए ना। बिल्कुल वही ना, उसके दिल में फिर वो इत्मीनान और वो सकीनत और हुदू और सब्र और अमल ये सब भर जाता है, यानी हर हाल में इंसान मुतमईन रहता है और शोर हंगामा नहीं करता। वो जिसे कहते हैं ना खाली बर्तन बजते हैं, तो वो बजता नहीं, फिर उसके अंदर बहुत एक वकार होता है, एक सकीनत होती है, एक करार होता है। ये जो कैफियत है ये इसके बगैर नहीं आती। आप देखिए कि सिंध के आम बहुत मीठे होते हैं, मुल्तान के आम बहुत मीठे होते हैं, इस्लामाबाद के आम क्यों नहीं मीठे होते? ज्यादा मीठे भी क्या नहीं, आम होते ही नहीं, लगते ही नहीं। वजह क्या है? ग्रीनरी बहुत होती है लेकिन फल कुछ नहीं होता। क्यों? वो गर्मी ज्यादा सहते हैं ना। जी हाँ, वहाँ गर्मी शदीद होती है, तपाए जाते हैं, तपिश बहुत है। तो मसाले वाला आम और दरख्त पे पका हुआ आम, और फिर उसके बाद आप देखिए कि वहाँ जब धूप में पकने के बाद जब उन आमों पे एक बारिश आ जाती है ना, फिर तो क्या ही कहने। वरहमतुल्लाहि वसिअत कुल्ल शैइन वशमिलत कुल्ल अहदिन अलमुमिन वल काफिर वल मुतीअ वल आसी फहुव सुब्हानहु अर्रहीमुल्लज़ी शमिलल खल्क़ कुल्लहुम बिरहमतिही फसखर लहुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द फश्शम्सु वल कमरु वल बर्रु वल बहरु वल माउ वत्तुराबु वन नबातु वल हैवानु वल हवाउ कुल्लु ज़ालिका खलक़हु अल्लाहु वसखर मनाफ़िअहु लिन्नासि व रहमतुल्लाहि। और अल्लाह की रहमत वसिअत कुल्ल शै, हर चीज पे छाई हुई है, व शमिलत कुल्ल अहद, और हर एक को शामिल है, यानी हर एक उसमें इंक्लूडेड है। अल मुमिनु वल काफिरु, मोमिन भी और काफिर भी, वल मुतीउ वल आसी, फर्मा बरदार भी और गुनाहगार भी, फहुव सुब्हानहु अर्रहीम, अल्लाह सुब्हानु ताला मेहरबान है, अल्लज़ी शमिल अल खल्क़ कुल्लहुम बिरहमती, जिसने अपनी सारी मखलूक को अपनी रहमत में शामिल कर रखा है, फसख्खर लहुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो उसने उनके लिए मुसख्खर कर दिए हैं जो आसमानों में है और जो जमीन में, सारी मखलूकात, फशम्सु वल कमर, तो सूरज और चांद, वल बर्रु वल बहर, खुशकी और समुंदर, वल माउ तुराब, पानी और मट्टी, वल नबात वल हैवान, नबातात और हैवानात, वल हवाउ, और हवा, कुल्लु ज़ालिका खलक़हुल्लाह, इन सबको अल्लाह ने पैदा किया। वसख्खर मनाफ़िअहु लिन्नासी, और उसके फायदे लोगों के लिए मुसख्खर किए, यानी लोगों के बस में किए। यानी ये नहीं कि अल्लाह सुब्हानो ताला किसी इनकार करने वाले से रहमत को रोक दे। यानी बड़ी हैरत होती है ना कि जब इंसान कुफार को दुनिया की नेमतों से भरपूर फायदा उठाते देखता है तो सोचता है ना कि ये तो मेरे रब की रहमतें थी, इनको क्यों मिल रही हैं, हालांकि वो तो उसको मानते भी नहीं है, तो ये उसकी रहमत की वजह से मिल रही है। उसके मुकाबले में आप देखिए कि बंदों के अंदर रहम का कितना जज्बा है। ये थोड़ी सी चीज को मर्जी के खिलाफ हो जाए तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारी सारी इनायत और सारी मेहरबानी खत्म होकर रह जाती है। वहादिहि निअमु यस्तफीदु मिनहल मुमिनु वल काफिरु अला हद्दिन सवा वहिय मुसख्खरतुन लिल इंसानी वला खियार लहा अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अस्बग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिम मुनीर। फायदा उठाते हैं उससे अल मुमिनु वल काफिरु अला हद्दिन सवा, मोमिन और काफिर बराबर की। वही मुसख्खरतुन लिल इंसान, और ये मुसख्खर है इंसान के लिए। वला खियार लहा, और उनके पास कोई इख्तियार नहीं। किन के पास? इन चीजों के पास, सूरज चांद के पास। वो ये नहीं कहते कि अच्छा हम तुम्हें तो फायदा देंगे और तुमको नहीं देंगे। अगर इन्हें इख्तियार दे दिया जाता तो शायद ये कुफार को एक घूंट पानी भी न देते पीने। बारिश सिर्फ मुसलमानों पर बरसती। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया जो कुछ भी आसमानों में है और जो जमीन में है। व अस्बग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, और तुम पर अपनी नेमतें जाहिरी और बातनी तौर पर आम कर दी। और लोगों में से बाज ऐसे जो अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के झगड़े करते हैं और बगैर हिदायत और रोशन किताब के, यानी जानते ही नहीं और उसके बारे में लाइल्मी के साथ, जहालत के साथ तरह तरह की बातें करते हैं और झगड़ते हैं। फहादी रहमतुर रहमानी तशमुलुल खल्क कुल्लुहुम फिद दुनिया अम्मा फिल आखिरत फइन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यतरुदु मिन रहमतिही मन लम युमिन बिही व लम यशकुर निअमहु मिनल कुफ्फारी वल उसाती वला तशमलु रहमतहु फिल आखिरति इल्ला इबादहुल मुमिनीन। फहादी रहमतुर रहमान, ये रहमान की रहमत, तशमलु शामिल है, अल-खल्क कुल्लहुम तमाम मखलूकात को, फिर दुनिया दुनिया में, अम्मा फिल आखिरत है लेकिन यहाँ तक आखिरत का ताल्लुक है। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल, तो अल्लाह सुब्हानहु तआला यतरुदु मिन रहमतिही, दूर फेंक देगा अपनी रहमत से, मन लम युमिन बिही, जो उस पर ईमान नहीं लाएगा, वलम यशकुर निअमहु मिनल कुफ्फारी, और नहीं शुक्र किया उसकी नेमतों का जिसने भी कुफार में से और गुनागार लोगों में से, वल उसात वला तशमलु रहमतहु फिल आखिरती, और नहीं शामिल है उसकी रहमत आखिरत में, इल्ला इबादहुल मुमिनीन, मगर उसके मोमिन बंदों को। फफिद दुनिया कसरत मुतअल्लिकातुर रहमा, दुनिया में रहमत के जो मुतअल्लिकात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मुतअल्लिकात यानी जो चीजें एसोसिएटेड हैं। वफिल आखिरत कल्लत मुतअल्लिकातुर रहमा, और आखिरत में कलील है रहमत के मुताल्लिकात। व इनकानत सिफत और रहमत साबिततुन, अगर रहमत की सिफत साबित हो, लम ततगयर वलम ततबद्दल, जो न तब्दील हो न बदले, वलो अन्नल कुफार वल उसात अताउ रब्बहुम, और अगर कुफार और गुनागार अपने रब की इताअत कर लें, लवसिअतहुम रहमतुल्लाह फिल आखिरह, तो अल्लाह की रहमत उन पर आखिरत में भी वसी हो। यानी अल्लाह की रहमत तो है लेकिन वो मुस्तहिक नहीं उसके, यानी अल्लाह की रहमत की सिफत जो साबित है, नहीं बदलती नहीं तब्दील होती। लेकिन कुफार और उसाद जो हैं, चूंकि इन्होंने अपने रब को राजी नहीं किया, वो इस रहमत के मुस्तहिक नहीं है। असल बात ये, वलाकिन्नहुम हरमू अनफुसहुम मिनहा बिकुफ्रिहिम, उन्होंने अपने आप को खुद महरूम किया है अपने कुफर की वजह से। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाहि व लिक़ाइहि, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया और उसकी मुलाकात का, उलाइका याइसू मिर रहमती, ये मायूस हो गए हैं मेरी रहमत से। अल्लाह की रहमत तो है लेकिन इन्होंने पहचाने नहीं रब को, इसलिए मायूस है। व उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, और इन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। उस्ताज़ा मैं सोच रही थी कि ये जो आयत थी ना अलम तरो अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, तो इसमें इंसान के लिए आसमान और ज़मीन की हर चीज़ मुसखर कर दी है, तो इंसान क्यों नहीं अल्लाह ताला की इतनी अच्छी तरह फरमाबरदारी करता? वो पहचानता नहीं ना कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। यही तो बात है असल में समझने की कि अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन जब तक उसकी पहचान नहीं होगी हमारा हाल दुरुस्त नहीं होगा, ना ज़ाहिरी ना बातनी। ज़ाहिर में इताअत नहीं होगी, बातन में इत्मीनान नहीं होगा, क्योंकि हम जाहिल हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला की सिफात को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमारा अमल बदले, हमारा दुनिया में रहने का ढंग बदल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बहुत कीमती लिबास पहन कर आए और उसके बाद कुछ लोग वहाँ थे, वो लिबास को फील करने लगे ना कि इतना कीमती अच्छा लिबास है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि साद बिन माज का रुमाल जो है जन्नत में इससे ज्यादा खूबसूरत है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत है कि अगर दुनिया में कुछ चीजें ना भी मिलें तो आखिरत में उससे अच्छी मिल जाएंगी ना। बिल्कुल, लेकिन कुफार के लिए ऐसी कोई उम्मीद, मायूस है ना, उनको यकीन जो नहीं। तो जो मारिफत होती है वो यकीन बढ़ाती है ना, और यकीन जो है वो अमल में फायदा देता है। इसमें जो एक रहमत की बात हुई है कि अल्लाह ताला की रहमत हर एक के लिए है, चाहे वो काफिर है या मोमिन है, और क्यामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत जो है वो खास होगी। और वो जैसे एक हदीस से पता चलता है कि 99 हिस्से उसके उस दिन के हैं। तो मैं ये सोची थी कि वो कितनी बड़ी रहमत होगी, यानी दुनिया में उसकी रहमत का हम शुमार नहीं कर सकते, उसको जितना भी गौर व फिक्र करें कम है, तो आखिरत में वो कितनी ज्यादा होगी उसकी रहमत। बिल्कुल, पूरे लेसन से मुझे ये फील हो रहा था कि इंसान जब बहुत ज्यादा जब अकेला यानी हो जाता है और जब यानी अल्लाह ताला से इस तरह का ताल्लुक नहीं रहता, उस वक्त शैतान उसको कितनी मायूसी दिलाता है। सबसे पहले जो चीज उसमें से निकालता है वो अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली जितनी भी नेमतें और यानी चीजों को सबसे पहले वो इंसान के अंदर से निकालता है। बिल्कुल, एक बार के मुझे फील हुआ था कि वाकई अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हर चीज के अंदर और हर जगह के अंदर होती है। इंसान की अपनी ही कमी होती है जो उसको वो कहीं फील नहीं कर सकता। हाँ, उसको वो नजर नहीं आ रही होती। ठीक, नजर नहीं आ। वमिन रहमतिल्लाहि बिइबादिही अन्नहु कल्लमा ज़ादा अददुहुम कशफ़ लहुम मिनल इल्मि मा युमक्किनुहुम मिन सुहूलतिल हयाति व ज़ियादतिल इंताजी व सुहूलतिल हुसूल अलैहि कमा हुआ हासिलुन फी कुल्ली ज़मानिन व मकानिन इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। व मिन रहमतिल्लाहि बिइबादिही, और अल्लाह की बंदों पर रहमत ही का हिस्सा है कि जब उनका अदद बढ़ गया यानी आबादी बढ़ गई तो उसने खोल दिए उनके लिए इल्म में से जो उनकी जिंदगी में सहूलत पैदा कर सकता था। कशफ़ लहुम मिनल इल्म, खोल दिया उनके लिए इल्म में से, यानी उन्हें इल्म दे दिया। मा युमक्किनुहुम मिन सुहूलतिल हयाती, जो उन्हें इस बात पर कादिर करता है यानी बंदों को जिंदगी की सहूलत में से, यानी जिंदगी की सहूलत हासिल करने के लिए उनको इख्तियार दे दिया या उन्हें उसके काबिल बना दिया। व ज़ियादतिल इंताजी, और ज्यादा प्रोडक्शन यानी चीजें उतनी ज्यादा उन्हें मिलने लगी। व सहूलतुल हुसूल अलैहि, और उसके हासिल करने की सहूलत भी, यानी पहले इल्म दिया फिर तमकीन दी यानी उनको इख्तियार दिया या काबिल बनाया, फिर उसके और ज्यादा प्रोड्यूस किया और फिर उसको हासिल करना आसान कर दिया। कमा हुआ हासिल उन फी कुल्ली ज़मानिन व मकानिन, जैसे कि वो हासिल होती है हर जमान और मकान में। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह बंदों पर शफकत करने वाला मेहरबान है। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। अब देखें कि एक तरफ गाड़ियां बन गई और दूसरी तरफ पेट्रोल निकल आया, पेट्रोल कम होने लगा तो गैस भी आ गई, और फिर बंदों को वो राह भी दिखाई, फिर उन्हें इस काबिल बनाया कि वो निकाल सके। मा युमक्किनुहुम, और फिर उसकी ऐस पर नीड ज्यादा प्रोडक्शन भी, और फिर ऐसी मशीनें इजाद होगी कि वो सहूलतुल हुसूल अलैहि, उन चीजों को हासिल करने की सहूलत भी मिल गई। ऐसे ही मुख्तलिफ चीजों में आप देखिए कितनी ऐसी नेमतें हैं कि जो आज से 500 साल पहले किसी बंदे को पता भी नहीं थी कि वो हैं, कई दवाइयां हैं, कई किस्म के इंकिशाफात और हर रोज नए नए इंकिशाफ हो रहे हैं। उस्ताद इसमें जो ये कहा है ना कि इल्म अता वैसा ही करता है, तो मैं ये सोची थी कि इंसान अपनी छोटी अकल की वजह से, जैसे उसने सोचा कि अब इंसान कम होने चाहिए, तो अल्लाह ताला तो जिस तरह के इंसानों की जरूरत है वैसी चीजें अता कर रहा है, वैसा ही इल्म दे रहा है। जैसे थोड़ी जगह पे ज्यादा बिल्डिंग्स बनाने का इल्म और इस तरह की चीजें जो पहले नहीं थी। अल्लाह पे पूरा यकीन ना होने की वजह से बाज़ात हम गलत रास्तों की तरफ निकल जाते हैं। बिल्कुल सही। व रहमतुल्लाहि लिइबादिही व दुखूलिहिमुल जन्नता लैसत अला क़द्रि आमालिहिम इज़ आमालुहुम ला तस्तक़िल्लु बिक़्तिदाइर रहमा व हुकूक़ि उबूदियतिही व शुक्रिही अल्लती यस्तहिक़्क़ुहा अलैहिम लम यक़ूमू बिहा कमा यजिबु लिअज़मतिही व जलालि सुल्तानिही। और अल्लाह की रहमत बंदों पर और उनको जन्नत में दाखिल करना, लैसत अला क़द्रि आमालिहिम, ये उनके अमाल के मुताबिक नहीं है कि उनके अमाल की वजह से, इज़ आमालुहुम ला तस्तक़िल्लु बिक़्तिदाइर रहमा, जबकि उनके अमाल भी उसकी रहमत के तकाजे से अलग नहीं है। यानी ये भी उसकी रहमत है कि वो तौफीक देता है कुछ करने की, वो हुकूक़ उबूदियत ही, और उसकी इबादत के हुकूक की, व शुक्र ही, और उसके शुक्र की, अल्लती यस्तहिक़्क़ुहा अलैहिम, जो उन्हें उसका मुस्तहिक बनाती। लम यकूमू बिहा कमा यजिबु, नहीं वो उस पर कायम होते, कमा यजिबु लिअज़मतिही व जलालि सुल्तानिही, जैसा के वाजिब है उसकी अजमत के लिए और उसके सुल्तान के जलाल के लिए। नहीं, जो अल्लाह की अजमत और जलाल और हुकूमत और बादशाहत और उसकी कुदरत है, उसके मुताबिक तो बंदे हक अदाई नहीं करते, और बंदे अपने आमाल की वजह से इसीलिए जन्नत में नहीं जा सकेंगे। आज इतना ही काफी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।